हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। और आज मेरी तबीयत ना कुछ ढीली है, और वैसे तो मैं नहा धो के आ गई हूँ, और मैंने अपनी किचन वगैरह तो समेट ली है, और इसके पापा सुबह चले गए हैं, उन्होंने हल्का ही नाश्ता किया, बोले तुम्हारी तबीयत ढीली है तो तुम कुछ मत बनाओ, बस मुझे दूध और ब्रेड दे दो, मैं खा के चला जाऊँगा। दोपहर में आएंगे वो, लेकिन पास की मार्केट में गए हैं तो दाल चावल बना लूँगी। अभी तो मैं बच्चों के लिए, बच्चे दूध ब्रेड लेते भी हैं, तो बच्चों के लिए मैं थोड़े से ये सैंडविच बनाऊँगी। और मैंने भी अभी कुछ नहीं खाया है, आज तबीयत ढीली सी लग रही थी मुझे, सुबह से ही कुछ लो फील कर रही थी मैं तो। और इसके पापा भी सॉरी पाठ पूजा करके चले गए, उन्होंने आज दीपक वगैरह जलाया है बस। और मैं ये सैंडविच बनाने जा रही हूँ, फिर मैंने भी कुछ नहीं खाया क्योंकि मुझे भी दूध ब्रेड कम अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये टमाटर और खीरे का सैंडविच बनाऊँगी। और चलो आप बनाती हूँ, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। और यहाँ पे मैं टमाटर और ये खीरे के ना छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी क्यूब साइज़ में, ताकि ये ब्रेड में रखते हुए बने। ये बड़े बड़े स्लाइस में तो काट दो ना, तो ये ब्रेड से मतलब बाहर निकलते हैं, बच्चों को पस मतलब ये बच्चे निकाल भी देते हैं, प्लेट में निकाल देते हैं, इसलिए मैं छोटे छोटे से टुकड़े करूँगी इसकी। और यहाँ पे ये देखो छोटी गुड़िया आ गई है, इसने देखा कि मम्मा सैंडविच बना रही है, तो ये तुरंत किचन में आ गई, क्योंकि इसको सैंडविच बिल्कुल पसंद नहीं है, ना कोई आलू की और ना ऐसे सब्जी वगैरह की। तो ये अपना कह रही है मुझसे कि मम्मा मुझे ये नमकीन और ब्रेड दे दो और दूध दे दो। तो मैंने कहा चलो ये निकाल देती हूँ इसका पहले, नहीं तो ये मुझे तंग करेगी, फिर ये सोचती है ना कि मम्मा अगर मुझे दे देंगी तो मम्मा मुझे मतलब सैंडविच नहीं देंगी, और ऐसा लगता ना इसको, अगर मम्मा नहीं सुन रही है तो फिर ये मुझे बोलती रहेगी, इसको ये लगेगा कहीं मम्मा मुझे ज़बरदस्ती सैंडविच ना खिलाए, इसलिए फिर मैंने कहा चलो अब इसको दे देती हूँ। और ये मैंने खीरा और टमाटर कट करके रखा था ना, अब मैं इसमें थोड़ी सी मेयोनीज मिलाऊंगी, ये कोई बीबा करके है, ऐसे सिंपल है, वाइट वाली है, तो ये इसमें मैं मिक्स करूँगी और हल्का सा नमक डालूँगी। वैसे तो इसमें नमक होता है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी लाइट सी लगती मुझे, इसलिए मैं हल्की सी नमक डालूँगी, बिल्कुल लाइट। और इसमें थोड़ी सी मैं काली मिर्च डालूँगी, आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हो स्पाइसी बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने ये तवा चढ़ा दिया है, और पहले मैं ब्रेड में थोड़ा सा मेयोनीज लगा दूंगी। वो गुड़िया आके बोल गई कि मम्मा थोड़ी सी ब्रेड में पहले मेयोनीज लगा देना, उसके बाद आप ये मिक्सर ये आपने जो बनाया है वो रखना। आपने कहा, मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसे ही बना दूंगी जैसे आप तुम बोलोगी, और मैं ऐसे रख दूंगी, पहले मैंने लगा दी, फिर इसको दूसरी ब्रेड में लगा दूंगी, और ऐसे दोनों को बंद करके उसे तवे पे थोड़ा सा घी लगाऊंगी, बहुत हल्का सा घी, एक बार ही लगा लो फिर सारी ब्रेड सिक जाती है। बस ऐसे साइड में मैंने चाय भी चढ़ा रखी, चाय मैं केवल अपने लिए बना रही हूँ, बस आप दबा दबा के सेक दो तो मतलब वो अंदर से अच्छे से सिक भी जाती है, और मतलब चिपकी रहती है ब्रेड एक दूसरे में। मेरे पास वो नहीं है जो ब्रेड सेकने वाला होता है मेकर, वो नहीं है, मैं इसे चाकू, अब ये सिक गई है, मैं चाकू से कट लगा दूंगी तो ये अलग अलग हो जाएगा, एक स्लाइस बन जाएगी। और इस तरीके से आप ये देखिए कैसी बनी, तो इसी तरीके से मैं सारी ब्रेड बना लूँगी। चाय मेरी बन गई है, आ जाइए आप लोग भी नाश्ता एंजॉय करते हैं, सैंडविच और चाय। दोबारा कहूँगी आप लोगों से, आ जाइए आप लोग।
चाय के साथ सैंडविच एंजॉय करिए। अभी शाम का समय हो रहा है, दोपहर में मैंने दाल चावल बनाए थे, वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी। तो अभी ये 6 बज रहा है और मैं ये बेल का शरबत बनाने जा रही हूँ, और ये बहुत जल्दी झटपट तैयार होता है। आप इसको किसी भारी चीज़ से बेल को तोड़ लो बीच में से, फिर इसका सारा अंदर का गूदा है वो चम्मच की सहायता से किसी बर्तन में निकाल लो, और इसमें आप ठंडा पानी भी यूज़ कर सकते हैं और इसके में बर्फ़ भी डाल सकते हैं। आप ऐसे निकाल के सारा आप मतलब इसमें उंगलियों की सहायता से आप इसको अच्छे से मैश करो कि पूरा गूदा मतलब पानी में मिक्स हो जाए अच्छे से। और फिर इसके बाद आप इसको मतलब इसमें चीनी डाल दो, और जैसे कि पिसी हुई चीनी है आपके पास तो पिसी हुई चीनी डाल दो, और अगर मतलब मेरे पास तो ऐसी है मैं ऐसी डालूंगी। और इसे मतलब आप बड़ी वाली छन्नी से अच्छे से छान लो, अगर आपको पतला रखना है तो आप पतला भी रख सकते हैं और गाढ़ा पीते हैं तो गाढ़ा। और ज़्यादातर लोग मतलब बनाते हैं, गर्मियों में ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और आप ज़रूर बनाइए गर्मियों में। शरबत वगैरह पी के फिर हम लोग छत पे आ गए थे ऊपर, और ये देखो ये भी आ गई थी काली है साथ में, ये ऊपर रो बाहर मतलब खड़े होकर रो रही थी गेट पे, फिर मैंने गेट खोला तो ये अंदर आ गई। और फिर हम लोग थोड़ी देर छत पे ऐसे ही घूमते फिरते रहे, ये गुड़िया को मैंने बिठाया पढ़ने के लिए तो ये भाग रही थी। मैं ना आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, देखो ये मेरी छत है ना, उसके ऊपर मेरा एक रूम बनाया है, उसके बाहर जो बालकनी है उसमें ना चिड़िया ने एक घोंसला बना लिया, उसने सॉरी कबूतरनी ने। तो मैंने एक दिन ऐसे गेट खोल दिया तो ये मतलब उसके अंडे फूट गए, तो इसके पापा ने देखो अलग से मतलब बना के रखा है, ये कितने ऐसे अच्छे से बैठी इसमें और अब मुझे देख रही है लेकिन उड़ नहीं रही है। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन जरूर क्लिक करें। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।